हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूएल सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है कि माइस्क्यूएल में हम यूजर्स कैसे क्रिएट करें। तो हाउ टू क्रिएट यूजर इन माइस्क्यूएल। तो आइए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस कोर्स में एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ कवर की जा रही हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी इस चैनल पे HTML, CSS, JavaScript, jQuery के वीडियोस देख चुके हैं, आपने PHP के भी बेसिक वीडियोस देख लिए हैं। MySQL का ये 17th चैप्टर है, इसका मतलब आपने 16 वीडियोस इसके पहले देख लिए हैं MySQL के। आज हम लोग पहले तो ये समझना चाहते हैं कि MySQL एक मल्टी यूज़र डेटाबेस सर्वर है, इसका क्या मतलब होता है। तो अगर मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट एज्यूम करूं कि ये एक कंप्यूटर है जिसको हम सर्वर बना रहे हैं और बहुत सारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, ये अभी फ़िलहाल मैं प्रोग्रामर या डेवलपर के लिहाज से बोलता हूं। आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं और ये आप हैं और ये आपको एक कंप्यूटर मिला हुआ है। इसी प्रकार से एक और एम्प्लॉय है जिसको ये कंप्यूटर मिला हुआ है, एक और एम्प्लॉय है जिसको ये वाला कंप्यूटर मिला है, एक और एम्प्लॉय है जिसको ये वाला कंप्यूटर मिला है। ये सभी एम्प्लॉयज किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इन सभी को डेटाबेस एक्सेस करना है, यानी इन सभी को डेटाबेस क्रिएट करना या उसमें डेटा को मैनिपुलेट करने का काम करना है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि उनके पास हो MySQL सर्वर। आपने जैसे कि पिछले वीडियोस में कई सारी कमांड्स देखी थी, DDL कमांड्स और DML कमांड्स, ये सब इन लोगों को यूज़ करना है। पर एक ही प्रोजेक्ट में जब इतने सारे लोग यूज़ करेंगे तो MySQL सर्वर सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए अलग अलग डेटाबेस नहीं बनेगा, क्योंकि सभी लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो एक सिंगल कंप्यूटर पे हम डेटाबेस बना लेते हैं, यानी डेटाबेस कहाँ है, इस मशीन पे डेटाबेस है और इसी मशीन पे MySQL सर्वर भी है। हम पहले भी समझ चुके हैं कि MySQL सर्वर अलग चीज़ है और MySQL क्लाइंट अलग चीज़ है। तो MySQL सर्वर को ही हम डेटाबेस सर्वर बोलते हैं। MySQL सर्वर इंस्टॉल्ड है इस मशीन पे, जिसको हम सर्वर मशीन कह रहे हैं, और नेटवर्किंग के कारण हमारी मशीनें, यानी एम्प्लॉयज़ की मशीनें, सर्वर मशीन से कनेक्टेड है। ये जो क्लाइंट मशीन्स हैं इनमें सॉफ्टवेयर है MySQL क्लाइंट। MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर सभी एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर पे होगा और MySQL सर्वर सिर्फ एक कंप्यूटर पे है। अब ये बहुत सारे यूज़र्स इस MySQL सर्वर को यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो अपने अपने कंप्यूटर पे MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट जब करेंगे तो उन्हें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए उन्हें यूज़र नेम और पासवर्ड सप्लाई करना होगा। जब वो यूज़र नेम और पासवर्ड सप्लाई कर रहे होंगे तो आज तक आपने देखा है कि एक डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है रूट, लेकिन रूट यूज़र डेटाबेस सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको सारे पावर्स मिले हुए हैं। रूट यूज़र ने ही कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लिए, फॉर एग्जांपल ये यूज़र है ए, ये यूज़र है बी, ये यूज़र है सी और ये यूज़र है डी। तो रूट यूज़र ने सबसे पहले चार यूज़र्स क्रिएट करे होंगे और उनके कुछ पासवर्ड्स भी सेट करे होंगे, और इन चारों एम्प्लॉयज़ को ये लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया होगा। अब हर एक एम्प्लॉय अपने अपने कंप्यूटर से जब MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता है तो लॉगिन करते वक्त वो यूज़र नेम और पासवर्ड सप्लाई करेगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड जो रूट यूज़र ने उसे दिया था, और इस तरीके से ये लॉगिन का मैसेज, ये यूज़र नेम और पासवर्ड
चला जाएगा MySQL सर्वर के पास। MySQL सर्वर ये चेक करेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड हैं या नहीं है। अगर वैलिड हैं तो वो एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा, एक कनेक्शन आईडी प्रोवाइड करेगा। कनेक्शन आईडी एक नंबर है, जैसे कि पहले वाले क्लाइंट को 1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, तीसरे को 3 दे दिया, चौथे को 4 दे दिया। इस प्रकार से हर एक क्लाइंट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए MySQL सर्वर ने सभी को क्लाइंट आईडी प्रोवाइड किया है। इससे होगा ये कि जब भी कोई एम्प्लॉय MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर की मदद से कोई कमांड चलाएगा, तो वो कमांड जब भी MySQL सर्वर के पास जाएगी, साथ में ये क्लाइंट आईडी भी जाएगा। वही क्लाइंट आईडी जो लॉगिन करते वक्त MySQL सर्वर ने MySQL क्लाइंट को दिया था। तो हर बार जब मैं कोई कमांड चलाऊंगा तो साथ में क्लाइंट आईडी भी MySQL सर्वर तक पहुंचेगा, जिससे कि MySQL सर्वर को पता चलेगा कि कौन से यूजर से रिक्वेस्ट आई है। इस प्रकार MySQL सर्वर बना है एक से ज़्यादा यूजर्स को एक साथ हैंडल करने के लिए, और उनमें अंतर करने के लिए क्लाइंट आईडी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो हमें समझ में आया कि MySQL सर्वर एक मल्टी यूज़र डेटाबेस सर्वर है, यानी मल्टीपल यूजर्स एक साथ MySQL सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमको ये समझना है कि जो रूट यूज़र है, सपोज करिए ये भी एक कंप्यूटर है और यहाँ पर रूट यूज़र है। रूट यूज़र का कंप्यूटर भी सर्वर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, पर ये जब लॉगिन करेगा तो ये यूज़र का नाम लिखेगा रूट, और जो भी रूट का पासवर्ड सेट होगा वो पासवर्ड लिखेगा। इसके बाद इसको वो सारे अधिकार हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को होने चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा अधिकार इसी को मिले। अब ये चाहे तो कई सारे यूज़र्स क्रिएट कर सकता है या क्रिएटेड यूज़र को हटा भी सकता है, पर ये ऐसी क्या कमांड्स लिखेगा जिससे यूज़र क्रिएट होगा या एग्जिस्टिंग यूज़र हटाया जाएगा, तो उसके लिए अब हम देखते हैं कमांड। यूज़र क्रिएट करने की बहुत ही सिंपल सी कमांड है, क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम। देखिए यहाँ पर आप सिंगल कोट्स में यूज़र का नाम लिखेंगे, एट द रेट लोकल होस्ट, यहाँ पे होस्टिंग आप पास करते हैं। अभी अगर आपने डेटाबेस सर्वर सेम मशीन पे रखा हुआ है तो आप लोकल होस्ट लिखेंगे, अगर दूसरी मशीन पे है तो आप उसका आईपी एड्रेस रख सकते हैं। फिर आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, पासवर्ड भी आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे। इस प्रकार से हम कोई भी यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। हमने सबसे पहले MySQL कंसोल को ओपन किया, दैट इज MySQL क्लाइंट। तो कौन ओपन कर रहा है? रूट यूज़र ने अपने कंप्यूटर पे MySQL क्लाइंट को ओपन किया है और वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मेरे को लॉगिन करना है, तो जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर किया उसने मुझे लॉगिन करवा दिया। लॉगिन करने के बाद अब मुझे यूज़र क्रिएट करना है। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए क्या कमांड हमने अभी पढ़ी है? हमने पढ़ा है क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम, एट द रेट लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। तो यही कमांड मैं लिखने जा रहा हूँ। मैंने लिखा क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम, यूज़र का नाम जैसे मैं रखता हूँ सौरभ, सिंगल कोट्स में लिखा है देखिए, और इसके बाद मैंने एट द रेट सिंबल लगाया है, इसके बाद फिर सिंगल कोट्स में लिखता हूँ लोकल होस्ट, इसके बाद मैंने लिखा आइडेंटिफाइड बाय, और फिर जो भी पासवर्ड रखना चाहता हूँ, फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं पासवर्ड भी सौरभ ही रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया है। अब इस यूज़र के क्रिएट होने के बाद मैं इस यूज़र के तौर पे लॉगिन करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो यूज़र डी, ये एक्चुअल में इसका नाम मैंने रख दिया है सौरभ, और इसका जो पासवर्ड है वो भी मैंने रख दिया है सौरभ। अब इसको मैंने बता दिया है
कि देखो भाई तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ये है और अब तुम जब भी लॉगिन करना चाहो तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल है। तो वो कैसे ओपन करेगा, आइए उसको देखते हैं। हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। मैं लिखूंगा कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को मालूम होगा, एमएस डॉस, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब जहाँ पर भी आपका वैम्प रखा है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। ये कौन कर रहा है? ये वो यूज़र कर रहा है जिसको मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, यानी सौरभ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एफ ड्राइव में क्या, जहाँ पे वैम्प रखा हुआ है, जिसके अंदर बिन है, जिसके अंदर MySQL है, MySQL का स्पेसिफिक वर्जन के साथ फोल्डर है, इसके बाद फिर एक बिन फोल्डर। ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिन फोल्डर में आ चुका हूँ जहाँ पे MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है MySQL, मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, -u एक तरह का फ्लैग है जो कि MySQL सॉफ्टवेयर को ये बताता है, MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर को ये बताता है कि आई एम गोइंग टू एंटर नेम ऑफ द यूज़र, और नेम ऑफ द यूज़र क्या है, सौरभ। देखिए मैंने इस यूज़र का नाम लिख दिया सौरभ। अब अगली स्टेप क्या है, -p पासवर्ड के लिए एंटर करता हूँ। वो मुझसे बोल रहा है पासवर्ड बताओ, तो हमने अभी इसका पासवर्ड भी सौरभ ही रखा हुआ था, सौरभ लिख रहा हूँ, SAURABH, और मैंने एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ स्टेटस देखिए एक बार, स्टेटस कमांड आप लोगों ने पढ़ी थी। स्टेटस में देखिए कि करंट यूज़र कौन है, सौरभ, और इसका कनेक्शन आईडी क्या है, 27, यानी वो कोई भी नंबर प्रोवाइड कर सकता है। तो फिलहाल जो नंबर यूज़र को प्रोवाइड किया, दैट इज़ 27 कनेक्शन आईडी। तो इस तरीके से ये सौरभ यूज़र भी लॉगिन है और रूट यूज़र भी लॉगिन है, यानी दोनों लॉग्ड इन है, और इस तरीके से दोनों यूज़र इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए सौरभ यूज़र कुछ यूज़ करता है, कैसे यूज़ करेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं डेटाबेसेस देखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस, आपको ये कमांड याद होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस ना दिखाते हुए सिर्फ दो डेटाबेस दिखा रहा है। एक्चुअल में जो यूज़र सौरभ है उसको अभी प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं, अधिकार नहीं मिले हैं, इसलिए वो कुछ काम कर नहीं सकता, यानी उसने जो डेटाबेसेस की लिस्ट देखी वो भी लिमिटेड है, उसको सारे डेटाबेसेस नहीं दिख रहे हैं। और अगर इन डेटाबेसेस को यूज़ करना चाहता है तो कैसे करेगा, जैसे यूज़ टेस्ट, ओके, यूज़ टेस्ट, तो टेस्ट डेटाबेस में आ गया है। इसके अंदर कुछ टेबल्स अपन देखना चाहते हैं, शो टेबल्स, तो वो एक टेबल दिखा रहा है, दैट इज बुक। अभी एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये वाली जो विंडो है, जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रूट यूज़र की है, और पीछे वाली जो विंडो है वो सौरभ यूज़र की है। देखिए ऊपर नाम भी लिखा हुआ है सौरभ। तो रूट यूज़र अगर शो डेटाबेसेस करता है तो देखिए इतने सारे डेटाबेसेस के नाम दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमने देखा था कि सौरभ अगर शो डेटाबेसेस करता है तो उसे सिर्फ दो डेटाबेस के नाम दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और अगर सौरभ सेलेक्ट कर लेता है टेस्ट डेटाबेस को, सॉरी, ये रूट यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया है टेस्ट डेटाबेस को, और वो कमांड चलाता है शो टेबल्स, तो इसके अंदर एक टेबल है वो हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर यूज़र चाहता है कि एक नई टेबल क्रिएट कर ले, कौन, सौरभ, तो उसने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, लेट्स से टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इसके अंदर मैं कुछ कॉलम्स बना रहा हूँ, लाइक EMP ID, और इसको रख लेता हूँ इंट। फिर मैंने एक और बनाया ई नेम, एम्प्लॉय का नाम, वेयर कैर 20। अभी मैं सिर्फ ये दो चीज़ें बना रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। यस, ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटाबेस है टेस्ट, कोई भी यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर।
टेस्ट डेटाबेस और इंफॉर्मेशन स्कीमा, यही दो डेटाबेस हैं जो कोई भी यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस कर सकता है, और उसमें वो टेबल भी क्रिएट कर पा रहा है, जो भी उसे काम करने वो कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी कई डेटाबेसेस हैं, जैसे कि DB1, DB2, ये सब भी डेटाबेसेस हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि सौरभ DB1 को एक्सेस कर ले तो क्या वो कर पाएगा? हमने देखा यूज़ DB1, तो देखिए एक एरर आ रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूज़र सौरभ टू डेटाबेस DB1। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रिविलेजेस देने होंगे, हमें अधिकार देने होंगे किसको, सौरभ यूज़र को, और ये अधिकार कौन उसे दे सकता है, रूट यूज़र दे सकता है। तो हम अधिकार कैसे देते हैं? अब यदि मुझे प्रिविलेजेस देने हैं, अधिकार देने हैं किसी यूज़र को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास कमांड है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन ** टू यूज़र नेम @localhost। देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, यानी आपने सारे के सारे प्रिविलेजेस दे दिए, ठीक है। तो मैंने लिखा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस ऑन। अब मैं जो प्रिविलेजेस दे रहा हूँ किस डेटाबेस के लिए दे रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि जो सौरभ यूज़र है ये इसको अधिकार रहे कि यहाँ पर एक डेटाबेस बना हुआ है DB1, इसके अंदर की सारी टेबल्स को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस का नाम DB1। अगर आप DB1 की जगह स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब है सारे डेटाबेसेस, डॉट डेटाबेस के नाम के बाद डॉट लगा के आप उसके अंदर के पर्टिकुलर टेबल की बात कर सकते हैं कि आप जो अधिकार दे रहे हैं वो किस पर्टिकुलर टेबल के लिए दे रहे हैं। अगर आप स्टार लगाते हैं तो इस डेटाबेस के अंदर के सारे टेबल्स को, सारे टेबल्स पे ये यूज़र काम कर सकता है। कौन सा यूज़र? टू, यूज़र का नाम सौरभ @localhost। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है प्रिविलेजेस की, PRIVI, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने सारे प्रिविलेजेस दे दिए हैं। अब इसका मतलब है कि जो सौरभ यूज़र है वो DB1 को एक्सेस कर सकता है। तो एक बार देखें ज़रा, फिलहाल शो डेटाबेसेस। अब यहाँ पे देखिए DB1 भी दिखाई दे रहा है जो कि पहले दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से अब सौरभ यूज़र को सारे अधिकार मिल गए हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर के सारी टेबल्स को एक्सेस करने के। तो यहाँ पर हमने लिखा यूज़ DB1, जो अभी तक अलाउड नहीं हो रहा था, अभी अलाउ हो गया, गॉट इट। और इसके अंदर के आप टेबल्स पे काम भी कर सकते हो, शो टेबल्स करके मैं सारी टेबल्स देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टेबल्स भी देखी जा रही हैं, यहाँ पे आप टेबल क्रिएट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिविलेजेस असाइन करते हैं। तो आपने लिखा ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस का नाम, जिसकी जगह आप स्टार लिखते हैं तो इस सारे के सारे डेटाबेसेस को ये यूज़र एक्सेस कर लेगा। डॉट उसके अंदर के टेबल का नाम, या तो स्टार लिखें, स्टार का मतलब होगा सारी टेबल्स, टू और उसके बाद यूज़र का नाम सिंगल कोट्स में @ localhost भी सिंगल कोट्स में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ स्पेसिफिक प्रिविलेज भी असाइन कर सकते हैं। अब प्रिविलेजेस जो होती हैं उनके नाम क्या होते हैं, तो अलग अलग तरह की प्रिविलेजेस हैं, लाइक सेलेक्ट प्रिविलेज है ना। यहाँ पर मैं प्रिविलेजेस के कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि सेलेक्ट _PRIVI, ये एक प्रिविलेज है, या इंसर्ट, यानी आप सारे प्रिविलेज नहीं देना चाहते हैं, कुछ गिनती के प्रिविलेज देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या अपडेट प्रिविलेज, या क्रिएट प्रिविलेज। इस तरह से आप जो स्पेसिफिक प्रिविलेज देना चाहते हैं, ये ऑल जहां लिख रहे हैं ना, ये ऑल की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ऑल की जगह पर लिखेंगे क्रिएट प्रिविलेज, कॉमा से सेपरेट करते हुए, एक से ज़्यादा प्रिविलेज अगर देना चाहते हैं तो कॉमा सेपरेट करते हुए लिखिए, जैसे सेलेक्ट प्रिविलेज,
कॉमा इंसर्ट प्रिविलेज, कॉमा अपडेट प्रिविलेज, लाइकवाइज। तो हम इस तरीके से भी स्पेसिफिक प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं किसी यूजर को। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com, URL आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस साइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इसमें PHP ही नहीं, C++, जावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, कैंपस प्रिपरेशन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, बहुत कुछ स्टफ आपको मिलता है। तो आप एक बार इस साइट को ज़रूर विजिट करें, और इसमें रेगुलरली मैं कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, तो ये बहुत एक्टिव साइट है, तो डेफिनेटली आपके काम आएगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हिंदी में है और फ्री है, तो आप इसको अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। थैंक यू।